बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे अंडे के खगीना की रेसिपी शेयर करेंगे, जो खाने में जायके में आपको बिल्कुल मगज़ की तरह ही लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने मगज़ खा लिया हो। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। सबसे पहले कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शामिल कर देंगे दो मीडियम प्याज को लेकर, मैंने आमलेट कटिंग कर लिया था, बिल्कुल बारीक भी कटिंग कर लिया था। शामिल कर देंगे और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, मसलसल हिलाते हुए 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पकाएँगे। ये देखिए प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। अब हम शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया एक बड़ा टमाटर लेकर उसकी कटिंग कर ली थी, इसको शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह प्याज के अंदर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अंडों का खगीना इतना ज़बरदस्त बनकर रेडी होता है, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने मगज़ खा लिया हो। बहुत ही टेस्टी सा बनकर रेडी होता है। बहुत ईजी सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। देखें माशाल्लाह से टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। अब हम शामिल करेंगे मसाले, जहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। अब हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती, इसको शामिल कर देंगे, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। अब शामिल कर देंगे 1 टीस्पून धनिया, 1 धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटा भुना हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून या हसबे जायका नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हिलाते हुए मसालों को भून लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम शामिल कर देंगे कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्च, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को लेकर मैंने कटिंग कर लिया था, इसको शामिल कर देंगे। इसको भी हल्का सा मसाले के अंदर भून लेंगे। सारे मसालों को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया। अब हम 3 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने से क्या होगा कि जब हम अंडे डालेंगे तो हमारे अंडे हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट ही रहेंगे। अब हम शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद अंडे। मैं यहाँ पर 5 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडों को शामिल कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। सारे अंडों को एक एक करके डाल देंगे। देखिए सारे अंडों को मैंने प्याज वाले मसाले के अंदर शामिल कर दिया। अब हम ऊपर से कवर लगा देंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऊपर से डाल देंगे और कवर लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से इनको मिक्स करेंगे। अंडों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, इनके पीस नज़र आने चाहिए। हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। इस तरह नीचे पानी डालने से हमारे अंडे हार्ड नहीं होते, बिल्कुल इसी तरह ही सॉफ्ट रहते हैं जैसे हमने मगज़ खा लिया हो। ये देखिए हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद अब हम दोबारा से ऊपर से कवर लगा देंगे, मज़ीद 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम हल्के हल्के हाथों से अंडों को तोड़ लेंगे। पीसेस को हम बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, मोटे मोटे से पीसेस नज़र आने चाहिए। बहुत ही मज़े का बनकर रेडी होता है, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखें माशाल्लाह से शक्ल से ही नज़र आ रहा है कि हमने जैसे मगज़ का सालन बनाया हो। हल्के हल्के हाथों से सारे पीसेस को तोड़ देंगे। अब हम ऊपर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया, 2 खाने के चम्मच के करीब मैं शामिल कर दूंगी ऊपर सब्ज़ धनिया और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए अंडों का खगीना रेडी हो चुका है। अब हम अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ। अब हम अपनी प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त खगीना बनकर हमारा रेडी हो चुका है।
सब्ज़ धनिए से ऊपर से गार्निश करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त अंडों के खगीने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।